अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। बीए, बीकॉम, बीएससी, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीबीए, बीसीए सहित नर्सिंग कोर्स में लें निःशुल्क नामांकन। हमारा पता है एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8228-9569-05, 8873-9736-80। नमस्कार, मैं हूं अन्नू सिंह और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की बड़ी खबरें। नीतीश कैबिनेट की बैठक आयोजित, 5 एजेंडों पर लगी मुहर। कोरोना संकट के बीच मंत्रियों के साथ चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में कुल 5 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसके साथ ही कई बड़े फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। बैठक में 3 अध्यादेशों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। जीएसटी 2017 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। बिहार में एक बार फिर मिले 188 नए कोरोना मरीज। सूबे में आंकड़ा पहुंचा 10,393। बिहार में एक बार फिर कोरोना के 188 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही सूबे में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,393 हो गया है। पटना में कोरोना के 63 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अरवल में कोरोना के 3 मरीज, औरंगाबाद में 17, भागलपुर में 7, गया में 2, गोपालगंज में 3, कैमूर में 1, किशनगंज में 1 और मधेपुरा में 8 कोरोना के मरीज मिले हैं। इसके अलावे मुजफ्फरपुर में 38 और नवादा में 12, नालंदा में 7 कोरोना के मरीज मिले हैं। रोहतास में 4 और शेखपुरा में 3 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके अलावे बात करें पश्चिम चंपारण में 11, शिवहर में 1 और सुपौल में 2 नए कोरोना के मरीज मिले। पूर्णिया के परमान नदी में मिली डॉल्फिन मछली वन विभाग ने लिया कब्जे में। लॉकडाउन के बाद अब ज्यादातर नदियां अब निर्मल और स्वच्छ है। अब पानी इतना साफ है कि इसमें डॉल्फिन भी दिखने लगी है। पूर्णिया के जलालगढ़ में परमान नदी में डॉल्फिन मछली मिली है। डॉल्फिन मछली की खबर पर लोगों में देखने की उत्सुकता को लेकर वहां भीड़ लग गई। तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर डॉल्फिन मछली को अपने कब्जे में ले लिया। बिहार के कई जिलों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी, बारिश के बीच वज्रपात का अलर्ट। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों के लिए बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी ताजा अलर्ट में चेतावनी दी गई है कि लोग बारिश के दौरान अपने घरों से बाहर ना निकले। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक के एसके पटेल ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक जहानाबाद, अरवल, पटना, भोजपुर, नालंदा, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, भागलपुर, वैशाली और सिवान में बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी। बिहार विधानसभा चुनाव में वर्चुअल जनसंवाद में भाजपा और लोजपा आगे तो राजद ने बनाई दूरी। कोरोना संकट ने इस बार सियासी जंग का चरित्र भी बदल दिया है। अब तक के चुनावों में प्रचार के लिए जहां बड़ी बड़ी सभाएं, रैलियां, रोड शो, नुक्कड़ सभा जैसे परंपरागत तरीके अपनाए जाते थे, वे इस बार देखने को नहीं मिलेंगे। इसकी जगह सब कुछ वर्चुअल होगा। वर्चुअल रैलियां, सम्मेलन व सभाएं आदि होगी। कोरोना काल में आमने सामने मुताबिक होने का दौर खत्म होगा। अब ना तो लोग अपने नेता को सामने से देख पाएंगे और ना ही नेता जनता से रूबरू हो पाएगी। पॉलीगंज शादी समारोह से जुड़े लोगों पर कसता जा रहा शिकंजा, 200 से होगी पूछताछ। पॉलीगंज में आयोजित शादी समारोह में भाग लेने वाले 111 लोगों में कोरोना का संक्रमण होने के बाद अब जांच शुरू हो गई है। करीब 200 लोगों से पूछताछ की जाएगी। प्रारंभिक जांच में जानकारी मिली है कि दूल्हे की गुरुग्राम गुड़गांव में ही तबीयत खराब हो गई थी तथा उस स्थिति में शादी उसकी करवाई गई थी। यहां संक्रमित लोगों में 29 महिलाएं और 6 बच्चे भी शामिल। बिहारी युवाओं ने बनाया मैग टेप, अकेले करता है कई चाइनीज एप्स का काम। बिहार के युवा सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी चीन को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। देश में चल रहे चाइनीज एप्स के बहिष्कार के अभियान और केंद्र सरकार द्वारा 59 चाइनीज एप्स को बैन किए जाने के बाद मेड इन इंडिया एप्स बड़ी तेजी से डिमांड में आ गई है। इसी क्रम में 2 बिहारी युवाओं का बनाया मैगटेप नामक वेब ब्राउजर गूगल प्ले स्टोर पर खूब डाउनलोड किया जा रहा है। इस ऐप में यूसी ब्राउजर के साथ ही कई ऐसे चाइनीज एप्स का काम अकेले करने की क्षमता है। भारतीय रेल बिहार से अब देश के हर कोने में ले जाएगी ट्रेन। 23 जोड़ी चलेंगी विशेष ट्रेनें। कोरोना संक्रमण को लेकर रेलवे ने
ट्रेनों का परिचालन बंद रखा था। उसके बाद 15 जोड़ी विशेष एसी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। फिर बाद में 1 जून से रेलवे बोर्ड की ओर से इन विशेष एसी स्पेशल ट्रेनों के अलावा पूर्व मध्य रेल क्षेत्र से 22 जोड़ी विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। पूर्व मध्य जोन से होकर चलने वाली इन ट्रेनों के अलावा अब 23 जोड़ी और विशेष ट्रेनों के चलने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। भेजे गए प्रस्ताव पर हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आज का फास्ट जीएस रिप्लाई का सवाल आ रहा है, तो तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने के लिए। तो आज का सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। सवाल है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी नीतीश कुमार, ऑप्शन सी दीप नारायण सिंह और ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिंह। उम्मीद है आप लोग सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि कल के क्विज में आप लोग सबसे पहले जवाब दे सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बड़ा फैसला हुआ है। पटना एम्स अब कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया जाएगा, जिसके बाद यहां सिर्फ कोविड 19 मरीजों की जांच और कोरोना संक्रमितों की ही इलाज किया जाएगा। पटना एम्स में कोरोना मरीजों के लिए अब 50 की बजाय 500 बेड उपलब्ध होंगे। अस्पताल प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है, जल्द ही इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी, जिसके बाद अगले आदेश तक यहाँ सिर्फ कोरोना का ही इलाज किया जाएगा। इस दौरान अन्य सेवाएं बंद रहेंगी। आरजेडी की हुई करिश्मा, लालू के लिए चंद्रिका राय से भी टकरा जाएगी। चंद्रिका राय और परिवार की बहू ऐश्वर्या राय के खिलाफ तेजस्वी यादव का मास्टर स्ट्रोक एक्टिव हो गया है। तेजस्वी ने आखिरकार चंद्रिका राय की भतीजी करिश्मा राय को आरजेडी की सदस्यता दिला दी। करिश्मा राय ने आरजेडी की सदस्यता लेने के साथ ही यह ऐलान किया कि वह लालू यादव के लिए किसी से भी टकरा जाएगी। आपको बता दें कि करिश्मा राय ने कहा कि उनके आदर्श लालू यादव हैं और लालू यादव के परिवार से मिला प्यार और उनको पार्टी संघर्ष करने की ताकत देगा। बिहार में बिना कमीशन नहीं होता कोई काम, यहां सिर्फ भ्रष्टाचारियों का है राज। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश सरकार में बिना कमीशन का कोई काम नहीं होता है, चाहे लोगों को जन्म प्रमाण पत्र की ही आवश्यकता क्यों ना हो, इसको लेकर पैसा देना पड़ता है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार का राज भ्रष्टाचारियों का राज है, यहाँ सिर्फ भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। जाति प्रमाण पत्र या डेथ सर्टिफिकेट बनवाना हो या किसी योजना का लाभ उठाना हो तो नीतीश के राज में बिना घूस या कमीशन के पूरा नहीं हो पाता। मंडप में पहुंचे दूल्हे को मंदबुद्धि बताकर दुल्हन पक्ष ने नकारा, 2 दिन तक बढ़ाती रहे बंधक। बारात पहुंची और स्वागत सत्कार के बाद पूरे विधि विधान से बड़माला भी हुआ। शादी के लिए जब मंडप में दूल्हा पहुंचा तो कुछ ऐसा हुआ कि लड़की पक्ष ने दूल्हे को नापसंद करते हुए शादी से इनकार कर दिया। साथ ही विरोध करने पर दूल्हा समेत 7 बारातियों को बंधक बना लिया। मामला पुलिस तक पहुंचा तो वो भी बाराती को छुड़ाने पहुंची, लेकिन कुछ लोगों ने पथराव कर दिया जिसमें एक महिला सिपाही जख्मी हो गई। आपको बता दें कि यह घटना मधुबनी के बेनीपट्टी थाना इलाके में स्थित सोहरौल गाँव की है। युवा रालोसपा ने मधुमक्खी पालकों की क्षतिपूर्ति की मांग को लेकर निकाला आक्रोश मार्च। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन के दौरान मधुमक्खियों का जगह परिवर्तन ना करने से मधुमक्खी पालकों को काफी क्षति मधुमक्खी के मर जाने से हुआ, जिसके मुआवजे की मांग को लेकर युवा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने आक्रोश मार्च निकालकर सरकार विरोधी नारे के साथ प्रदर्शन करते हुए समारोह न्यायालय पहुंचकर जिला अधिकारियों को मुआवजे की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। करिश्मा राय को आरजेडी में शामिल कराने पर बम के तेज प्रताप यादव, कहा हमें उस परिवार के किसी भी मेंबर पर भरोसा नहीं। लालू परिवार ने आज चंद्रिका राय के परिवार में बड़ी फूट डाल दी है। लालू की पोतहू ऐश्वर्या राय की बड़ी चचेरी बहन करिश्मा राय को तेजस्वी यादव ने आज राजद में शामिल कराया है। प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने अपनी भाभी की बड़ी बहन को पार्टी में शामिल कराया, लेकिन तेजस्वी यादव के इस निर्णय से उनके बड़े भाई और ऐश्वर्या राय के पति खुश नहीं दिखे। उन्होंने बताया कि हमें उस परिवार के किसी भी सदस्य पर तनिक भी भरोसा नहीं है जिन्होंने हमारी जिंदगी खराब की है। दरभंगा की ज्योति खुद पर बन रही फिल्म में दिखेगी लीड रोल में, पिता का किरदार निभाएंगे बॉलीवुड एक्टर संजय मिश्रा। दरभंगा की ज्योति की कहानी पर जल्द ही फिल्म की शूटिंग होने वाली है। फिल्म की कहानी तो ज्योति की है, लेकिन इस फिल्म में वह खुद अपना किरदार निभाएंगी।
फिल्म में वह लीड रोल में होगी। फिल्म का नाम आत्मनिर्भर रखा गया है। बॉलीवुड एक्टर संजय मिश्रा ज्योति की फिल्म में पिता का किरदार निभाएंगे। इस फिल्म की शूटिंग 25 अगस्त से शुरू होने वाली है। चलिए अब वक्त हो चुका है कल के प्रश्न का सही जवाब जानने का। कल के प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कोशी। जिन्होंने भी सही जवाब दिए उनको बहुत बहुत बधाई। उनमें से जो सबसे पहले 20 ने जवाब दिए उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। अगर YouTube की बात की जाए तो जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिए उनके नाम हैं पुष्पेश पराशर, उसके बाद है सनी पराशर, गौरव शर्मा, संजीव सुमन, संजीव कुमार, रोहित कुमार, सत्यम शिवम, कुमारी अनामिका, रितेश कुमार और रोहित पंडित। अगर फेसबुक की बात करें तो जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिए हैं उनके नाम हैं सत्यम यादव, उसके बाद है रोहित कुमार, प्रतिभा झा, रोहित राजपूत, राहुल, शिवम यादव, MD अंजार, परशुराम कुमार, कुमार चंदन और जेम्स फाइटर। इनके अलावा भी बहुत से पाठकों ने सही जवाब दिया लेकिन समय के अभाव में हम उनका नाम नहीं ले पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।